वही खबर अमरावती से आ रही है, जहां अमरावती में कोयले हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जिहादियों ने दो बार पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन दो बार वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन आखिर 19 जून को उन्होंने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। अमरावती में उमेश कोयले की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि उमेश कोयले की हत्या की कोशिश पहले भी दो बार की गई थी, लेकिन वह विफल रही। हालांकि तीसरी बार में हत्यारे वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। 19 जून को उन्हें पहली बार मारने की तैयारी की गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी इरफान शेख रहीम डर गया। इस हत्याकांड को उस दिन अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद 20 जून को फिर से आरोपियों ने प्लानिंग की, लेकिन उमेश के घर से फोन आने की वजह से वो जल्दी ही दुकान बंद करके चले गए। इससे आरोपियों की योजना पर पानी फिर गया। आखिरकार 21 जून को योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। दो ऑटो ड्राइवर और 4 मजदूर हत्या में शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इरफान शेख रहीम ने जिन आरोपियों को हायर किया था, इसमें से 2 ऑटो ड्राइवर और अन्य मजदूर थे। इरफान ने पहले अपने एनजीओ में बुलाकर इनका माइंड वॉश किया था। इसके बाद आरोपियों को पैसे का लालच देकर इस हत्याकांड में शामिल किया। यूसुफ ने फेसबुक पोस्ट को शेयर कर हत्यारों को इस्लाम के नाम पर उकसाया। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसलिए मोहम्मद यूसुफ उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। उमेश ने यूसुफ की बेटी की शादी, बच्चे और स्कूल एडमिशन और कई बार नकद रुपए से मदद भी की थी। कोयले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा जख्म मिला। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि चाकू के वार से दिमाग की नस को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही सांस लेने वाली नली, खाना खाने वाली नली और आँख की नसों को डैमेज कर दिया गया था। पैगंबर पर टिप्पणी का समर्थन करने पर गला काटना, सपने में अल्लाह के अपमान पर हकीकत में कद। 4 व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत में ही जांच की गई। जांच एजेंसी ने अमरावती के 4 कथित व्हाट्सएप ग्रुप की जांच शुरू कर दी है।